नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महाभाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे भगवान गणेश की। कल से गणेश महोत्सव की शुरुआत होने वाली है और तकरीबन 9-10 दिन तक चलने वाले इस गणेश महोत्सव में आपको ढेर सारे वरदान मिल सकते हैं, ढेर सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप गणेश महोत्सव के अवसर का सही इस्तेमाल करें तो। तो गणेश महोत्सव में किस तरह से वरदान बरसेंगे और किस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आज इस विषय पर बात करेंगे। महाभाग्य में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। महाभाग्य में आज बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है, गणेश महोत्सव क्या है और इसकी महिमा क्या है। गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश महोत्सव तक जो ये अवसर है, इसमें मनचाहा वरदान कैसे मिलेगा और मनचाहा वरदान पाने के उपाय क्या करेंगे आप गणेश महोत्सव के इस पावन अवसर पर जो कि कल के दिन से शुरू हो रहा है। तो बात करेंगे गणेश चतुर्थी की, गणेश महोत्सव की और इसमें पाए जाने वाले वरदानों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का मंत्र। आज का मंत्र है गंग गंग गंग। भगवान गणेश की पूजा उपासना के लिए जो तमाम मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, गणपति गजानन का जो बीज मंत्र है वो है गंग। तो अगर इस मंत्र का सही इस्तेमाल किया जाए, केवल गंग अक्षर का ही जप किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। और इसका तरीका यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके पहले गंग 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 ये कम से कम 9 बार कहने के बाद आप अपने काम की शुरुआत कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये एक अक्षर का भगवान गणेश का बीज मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है। सबसे पहले जानते हैं कि कल जो गणेश चतुर्थी है ये पर्व क्या है और इस पर्व की महिमा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यानी कल के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन भगवान गणेश पहली बार प्रकट हुए थे। ये भी माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक का जो मौका होता है, इसको कहते हैं गणेश महोत्सव। और इस गणेश महोत्सव में गणपति गजानन धरती पर पृथ्वी पर निवास करते हैं, ऐसी मान्यता मानी जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये समय अनंत चतुर्दशी तक चलता है और इस पूरी अवधि को गणेश महोत्सव कहा जाता है। उस पूरे अवसर को गणेश महोत्सव कहते हैं जिसमें भगवान गणेश तकरीबन 9-10 दिन तक धरती पर रह करके अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं। इस बार ये पर्व 13 सितंबर से आरंभ हो रहा है, यानी कल के दिन से आरंभ होगा और 23 सितंबर तक चलेगा, 23 सितंबर तक रहेगा। ये गणेश महोत्सव का पर्व 13 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगा, जिसमें बहुत सारे वरदान, बहुत सारी कृपा भगवान गणेश की आपको मिल सकती है। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान गणेश की उपासना से जो ये गणेश महोत्सव है, इसमें किस प्रकार भगवान गणेश की उपासना करें जिससे मनचाहा वरदान मिल जाए या जिससे मनचाहा वरदान मिल सकता है, क्या करेंगे। गणेश महोत्सव में भगवान गणेश
10 दिनों तक भक्तों के बीच में रहते हैं और इस गणेश महोत्सव में इस समय में श्रद्धा से किए गए उपायों से भक्त की हर कामना पूरी हो सकती है, भक्त की हर कामना पूरी की जा सकती है। अगर 10 दिनों के गणेश महोत्सव में किसी भी दिन उपाय किए जाएं तो लाभ निश्चित रूप से होता है। यानी 10 दिनों का जो ये अवसर है, ये 10 दिन है आपके पास अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि गणेश महोत्सव में अपनी सात्विकता और अपनी पवित्रता बनाए रखें। जितने सात्विक भाव से, जितने पवित्र भाव से आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उतना ही जल्दी आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का परिणाम प्राप्त होगा या आपको बहुत सारे वरदान जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो तमाम वरदान आपको मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मनचाहे विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मनचाहे विवाह के लिए गणेश महोत्सव में क्या उपाय करें? भगवान गणेश का श्रृंगार करें विधिवत। कैसे श्रृंगार करेंगे? उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल पहनाएं और मोदक यानी लड्डू उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम विघ्नहर्त्रयी नमः। ओम विघ्नहर्त्रयी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। और इसके बाद जो पीला वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित किया है इसे सहेज करके अपने पास रख लें। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा। और ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल किया जा सकता है। किसी भी दिन सुबह उठ करके, स्नान करके, भगवान गणेश के सामने बैठ करके अगर आप ये उपाय करें तो आपके शीघ्र विवाह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, इसके लिए भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित कीजिए। केला है, सेब है, अनार है, इनको बांध करके पीले धागे में एक फलों की माला बना लें और ये भगवान गणेश को गले में पहना दें, उन्हें अर्पित कर दें। और इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र इसका पाठ करें या एक मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है ओम उमा पुत्राय नमः। ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जो आपने फलों की माला भगवान गणेश को अर्पित की थी उसको निकाल लीजिए, उस माला के जो फल हैं ये बच्चों में बांट दीजिए। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिन तक कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन लगातार प्रातः काल अगर आप ये प्रयोग करें तो संतान प्राप्ति आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगी, आपके लिए निश्चित रूप से सरल हो जाएगी। अब आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आपको संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मकान बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे? मकान बनाने के लिए क्या सरल उपाय होगा? भगवान गणेश को लाल फूलों की एक माला अर्पित कीजिए, चाहे वो गुलाब की हो, चाहे वो गुड़हल की हो, भगवान गणेश को लाल फूलों की एक माला आप अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करेंगे। और इसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और इसके बाद जो लाल वस्त्र आपने अर्पित किया है
उसी में वो तांबे का सिक्का बांध करके अपने पास रख लेंगे। आपके मकान बनने की जो इच्छा है कि आपका मकान जल्दी बन जाए या आपको संपत्ति का लाभ हो जाए, ये इच्छा आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होगी। और ये उपाय गणेश महोत्सव में एक बार किसी भी दिन सवेरे अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लिया नौकरी नहीं मिल पा रही है, काफी समय से नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए गणेश महोत्सव में क्या उपाय किया जाए कि एक ठीक ठाक एक बेहतर नौकरी मिल पाए। भगवान गणेश को उतने लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 30 वर्ष, तो 30 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं और हर लड्डू के साथ कहें ओम नमो भगवते लंबोदराय, ओम नमो भगवते लंबोदराय, एक चढ़ा दिया, ओम नमो भगवते लंबोदराय, दूसरा चढ़ा दिया। ऐसे कह करके भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाएं, एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लोगों में बांट दें। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम को जरूर करें। अगर आप गणेश महोत्सव में 23 सितंबर तक आपके पास मौका है तो 23 सितंबर के पहले पहले किसी भी दिन शाम को अगर ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, जिससे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। देखिए, गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल को, यानी 13 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक महोत्सव है, 23 सितंबर को भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन होता है, तो 13 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हर दिन शाम को भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें दूर्वा यानी दूब घास और लड्डू अर्पित करें, और इसके बाद जो उनका बीज मंत्र है गंग गंग, इस अक्षर का, इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जप करें और अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति करें। ऐसा रोज करें। गणेश महोत्सव में जितने ज़्यादा दिन तक आप ये कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं उतनी आसानी से, उतनी सरलता से दूर हो जाएंगी।